मामला जनपद हमीरपुर की काशीराम कॉलोनी राट का है, जहां पर काशीराम कॉलोनी के लोगों का बिल लाखों रुपए में आने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में लोग जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से शिकायत करने पहुंच गए। कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि अचानक लाखों में बिल आने से लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। लोगों ने बताया कि जब एसडीओ राठ द्वारा लाइट में कार्रवाई हो रही थी, तब एसडीओ ने पिछले बिल को 200 रुपए प्रति माह के रूप में लेने का आश्वासन दिया था और पिछला बिल किस्तों में जमा करने के लिए कहा था। सारे लोग बिल देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बिल की राशि लाखों में आने पर लोगों में रोष पैदा हो गया। काशीराम कॉलोनी में कई लोगों से जिनका कनेक्शन ही नहीं हुआ और जिनके पास खाने के लिए भी राशन नहीं होता, तो उनका बिल लाखों में आने पर लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। परेशान हूँ मैं बहुत ज्यादा, कि मतलब पिछला बिल 50,000 60,000 है, सब डिब्बा की तरह रखे तो भी बिल भग रहा, मीटर भग रहा है 1200, 5000, 1300, 1500 ऐसे करके, हर ऐसे गरीब आदमी कैसे मिलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख तक का बिल आया है। देखो मोहम्मद असलम है, हम लोग काशीराम कॉलोनी राट से आए हुए हैं। हम लोगों का बिजली का बिल 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है, तो हम लोग इतना बिल जमा करने में असमर्थ है। सभी लोगों के इसी प्रकार के बिल आए हैं? सभी लोगों के हैं। शादी ब्याह बदल उन्होंने काम कर दिया, हमारे पास मजदूरी भी नहीं है। हमारी मैम साहब की हार्ट पेट की बीमारी भी है, उनकी तबीयत खराब रही है, कमजोरी भी है, हर चीज़ भी है। अब बताइए 35,000 का बिल आ गया है, हम इसलिए आप साहब क्या करें। अगर आप चाहते हैं फटका पैसे जमा कर सकते हैं, इकट्ठे पास हमारा रकम नहीं है, आपने नोटिस ऐसा भेज दिया नहीं है, तो आप कोरोना खासकर हमें जेल भी हो जाएगी। हम एक के जेल भेजना, आप हमको पूरे परिवार सहे आप जेल भेजना, उसकी जैसे हमें आए हैं यहाँ खाना है वैसे वहीं खाएंगे। शुरुआती दौर में आपने बिजली का बिल जमा किया है? जी हाँ, बिल जमा किया, लेकिन पर्ची खो गई है हमारी पर्ची। आप कंप्यूटर कहता था कंप्यूटर द्वारा आप अपने उसी हिसाब से आप निकालो और जो कुछ होगा हम जाने की एक ही रुपये जाने की तैयार हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक